dear students assalamu alaikum and welcome to your social science class hope you are fine very good dear students our today's topic is medieval ladakh dear friends ladakh is a mountainous region situated on eastern side of the kashmir valley ladakh contains a great portion of the biggest मैसिफ ऑफ दी माउंटेंस इन दर्ल्ड देम्स प्यारे बच्चों लद्दाख जो है ये एक माउंटेनस रीजन है पहाड़ी इलाका है जो कश्मीर के मशरिक में सिचुएट uh, है इसकी लोकेशन है ये वादी कश्मीर के मशरिक की तरफ़ है और ये लद्दाख जो है ये दुनिया का ऐसा खिता है जहाँ पे ऊंचे पहाड़ों के बहुत बड़े सिलसिले पाए जाते हैं जिनको क्रा कहते हैं क्रा रेंज जो पहाड़ी सिलसिला है वो लद्दाख में पाया जाता है एज़ फार एज़ द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख इज़ कंसर्न ऑन मोस्ट ऑफ़ द इंस्क्रिप्शंस द लद्दाखी किंग्स कॉल देमसेल्व्स एज़ द डिसेंडेंट्स ऑफ न्या्री त्राम्पू the किंग ऑफ of टू 200 और 300 B.C. प्यारे बच्चों लद्दाख की जो तारीख़ है हिस्ट्री है जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है इसके बारे में जो भी inscriptions हमें दस्तयाब हुई हैं उनसे पता चलता है कि जो लद्दाखी बादशाह हैं वो अपने आप को किंग न्यात्री त्राम्पू के डिसेंडेंट्स उसके डिसेंडेंट्स में से अपने आप को बताते हैं उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं ये न्यात्री त्राम्पू जो थे ये तिब्बत के बादशाह थे जो कि 200 या 300 सौ कबल मसीह में गुज़रे हैं गोया कि ये कदीम ज़माने में दो सौ या तीन सौ कबल मसीह में तिब्बत के बादशाह थे न्यात्री त्रैम्पू तो लद्दाख के जो बादशाह हैं ये अपने आप को उन्ही के साथ मुनसलिक करते हैं और उन्ही के डिस अपने आप को बताते हैं इन नाइन हंड्रेड सी ई देर डाइनास्टी ब्रांचड ऑफ फ्राम देंट्रल तिब्बत टेन डाइनास्टी अंडर लंग दरमा हू रूल्ड वेस्टर्न तिब्बत विच कंसिट ऑफ़ विच कंसिस्टिड ऑफ़ लद्दाख पुरानग गोज जन्सकार लाहौल एंड स्पित तो लगभग उन्नीस सा, सौ सॉरी नौ सौ नौ सौ ईसवी नौ सौ ईसवी के ज़माने के लगभग जो इन न्यात्री तरनपू के जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो डायनास्टी थी उसके जो बहुत से ब्रांचेस थे इनमें से एक ब्रांच अलग हो गई और वो सेंट्रल तिब्बतियन डायनास्टी जो थी उसकी एक ब्रांच थी वो लंग धर्मा इनका राजा था उसके राज में ये ब्रांच जो है सेंट्रल तिब्बतियन डायनास्टी से अलग होकर इन्होंने रूल किया वेस्टर्न तिब्बत को तो वेस्टर्न तिब्बत का इलाक़ा जो है इस पे इन्होंने अपना रूल किया ये इनके हिस्से में आया तो ये जो वेस्टर्न तिब्बत का इलाका था इसमें उस वक्त जो जो इलाके शामिल थे थे उन इलाक़ों में लद्दाख पुरानग गूज जनस्कार और लाहौल स्पीति शामिल थे ये इलाके सारे लंग दरमा जो राजा थे उनके इस राज में उनकी किंगडम में शामिल थे तो ये वेस्टर्न तिब्बत तिब्बत वेस्टर्न तिब्बत का इलाका इसमें इन्होंने अपनी किंगडम कायम की वन ऑफ दसर्स ऑफ लंग दरमा वॉज किंग नियमगौन 975 to 1000 ड्रेड सेवेंटी फाइव टू वन थाउजेंड सी ई हू हैंगडम तो ये जो लांग दरमा थे इसके जो सक्सेसर्स थे उनमें एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम था किंग नियाम, नियम नियमगोन ये नियमगोन जो थे इन्होंने नौ सौ से 1000 हजार तक हुकूमत की है इस वेस्टर्न तिब्बत के इलाके में तो नियमगोन के तीन बेटे थे जिनमें नियमगोन ने अपनी इस किंगडम को डिवाइड किया उसने नियमगोन ने अपनी किंगडम को अपने तीन बेटों में डिवाइड किया तकसीम किया पालगियोग एंड ही सक्सेसर्स रूल्ड ओवर लद्दाख टिल 1500 हंड्रेड ई तो नियमगोन का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था लहा चन पलग्योगोन तो लहा चिन पलग्योगोन जो था इसने और उसके जो सक्सेसर्स हैं उसके जानशीन जो गुजरे हैं उन्होंने लद्दाख पे हुकूमत की 1500 ईसवी तक लहाचिन रिग्यालपो 1100 टू 1125 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सी ई वाज दोटेबल मोस्ट नोटेबल टू रूल लद्दाख तो लद्दाख का जो सबसे मशहूर राजा गुजरा है उनका नाम था लहाचिन रिग्यालपो लहाचिन रिग्यालपो लद्दाख का सबसे मोस्ट नोटेबल रूलर गुजरा है इन्होंने 1100 ईसवी से 1125 ईसवी तक लद्दाख पे रूल किया है हुकूमत की है ही बिल्ट द फर्स्ट रियल लामासरी इन लद्दाख तो लामसरी उन्होंने पहले सबसे पहले लद्दाख में बनाई है फर्स्ट लामासरी ही सक्सेसर्स लाचिन उत्पला 1125 to 1150 CE united the forces of upper and lower Ladakh Subjected all the vassal chiefs and even conquered a new province, Lovo, east of Purong King Largyal, who ruled Ladakh from uh, 1250 to 1275 CE, was the worshiper of Buddhist god Vajrapani. To, ye जो रिग्यालपो था लाचिन रिग्यालपो सबसे मशहूर बादशाह लद्दाख का उसका सक्सेसर था लाचिन उत्पला लाचिन उत्पला ने 1125 से 1150 ईस्वी तक हुकूमत किया लद्दाख पर ही यूनाइटेड फोर्सेस ऑफ अपर एंड लोअर लद्दाख उन्होंने अपर और लोअर लद्दाख के जो फोर्सेस थे सरदार थे लोग थे उनको यूनाइट किया इकट्ठे किया मिला दिया तो और जितने भी वहाँ पे वसल चीफ्स थे जितने भी वहाँ मकामी जो सरदार थे वगैरह थे सरदार उन कबीलों के उन सब को उसने अपने मातहत बना दिया अपना ताबिया फरमान बना दिया सब्जेक्टेड ऑल वसल चीफ्स एंड इवन कांकड़ एंड न्यू प्रोविंस और एक नया प्रोविंस एक नया इलाका भी अपना उसने आ, अपनी इस सल्तनत में अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया उस इलाके का नाम था लोवो ईस्ट ऑफ पुरॉ किंग हु रूल्ड लद्दाख फ्रॉम सी ई ट्वेल्व फिफ्टी आ, टू 1275 सेवेंटी फाइव वाजे पर ऑफ बुद्धिस्ट गार्ड वज्रपानी। अब इसके बाद एक और राजा था किंग लाहरग्याल उनका नाम था जिन्होंने लद्दाख पे हुकूमत की है लाहरग्याल ने 1250 से 1275 सौ पचहत्तर ईस्वी तक तो ये लहरग्याल जो था ये बुद्धिस्ट किंग था और ये ये बुद्धम बुधि, को मानता था और बुद्धिस्ट गॉड वज्रपानी की पूजा करता था ही डिस्कउस ऑन दज्रपानी तो उसने वज्र के बारे में हुक्म दिया कि इनका जो है इनका फरमान जो है इनकी तलीमत जो हैं तो उनको कॉपी किया जाए ही ऑर्डर इट टू बी कॉपीड इन गोल्ड इसको सुनहरे अल्फाज में लिखा जाए बिसाइड इज दिस ही ऑर्डर टू अदर लामेस्ट वर्क्स टू बी कॉपीड इन गोल्ड इसके अलावा और दो लामेस्ट इन लामा उनकी और दो स्क्रिप्चर्स जो थे और दो किताबें जो थीं उनको भी उसने सुनहरे अल्फाज में लिखवाया कॉपी कराया दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लामेस्ट लिटरेचर इन लद्दाख तो ये जो हमें इसकी ये कॉपीज मिलती हैं जो इसने गोल्ड में कॉपी कराई है ये लद्दाख के लिटरेचर के बारे में हमें सबसे जो पहला रिकॉर्ड मिलता है फर्स्ट रिकॉर्ड जो मिलता है हमें ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ लामेस्ट लिटरेचर इन लद्दाख तो वो यही हमारे पास अवेलेबल है सो डियर स्टूडेंट्स वी कंक्लूड इट हियर टुडे थैंक यू वेरी मच गुड बाय एंड टेक केयर